अब क्या करना है आप लोगों को, ये जो जीरो था आपका, इसमें भी जीरो था, इसमें भी जीरो था, क्या करना है इसको इसके पीछे लगा देना है। चार जीरो लगाएंगे, ये आपका आंसर करेक्ट है। इसको कैलकुलेटर में भी आप चेक कर सकते हैं। हाय गाइज, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न फास्ट मल्टीप्लीकेशन ट्रिक। ओके, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे फास्ट मल्टीप्लीकेशन ट्रिक। और इससे पहले गाइज, आप लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। तो आज हम सीखेंगे फास्ट मल्टीप्लीकेशन ट्रिक। ओके, तो चलिए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो गाइज, यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं कि कुछ लोगों का ये जो एग्जाम्पल है, कुछ लोगों को हार्ड लगेगा और कुछ लोगों को इजी लगेगा। ओके, तो कुछ लोगों को इजी क्यों लगेगा, क्योंकि उनका बेसिक जो है उनका कमजोर नहीं है, उनका बेसिक स्ट्रांग है। ओके, तो यहाँ पर ये जो जिन लोगों का बेसिक जो है कमजोर है, उन लोगों को ये जो है हार्ड लगेगा। हार्ड लगेगा, कैसे करेंगे इसको सॉल्व, तो यही हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो देखिए, बच्चे देख करके इसको कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे करना रहता है, बड़े बड़े नंबर होते हैं और इस तरह से मल्टीप्लाई करना रहता है। तो देखिए गाइस, हम आप लोगों को बहुत ही इजी ट्रिक बता दे रहे हैं, जिससे इस तरह का मल्टीप्लीकेशन आप लोग बहुत ही इजी ट्रिक से आप लोग कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए, चलिए हम आपको बताते हैं, देखिए क्या करना है। यहाँ पर करना क्या है आप लोगों को, देखिए यहाँ पर जीरो है, जीरो को आपसे जीरो से डरना नहीं है। देखिए जीरो कुछ नहीं होता है, जीरो मान लीजिए इसके पीछे है और जीरो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो डिजिट क्या है इसमें, देखिए नंबर, इसमें डिजिट क्या है, संख्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है, यानी कि 2 है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करना क्या, आपको सिर्फ डिजिट जो है उसका मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो यहाँ पर उसका मल्टीप्लाई तो करने आता ही है आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 3 = 9 = 36। यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 जो होगा आपका, यहाँ पर कैरी बचेगा। तो यहाँ पर 9 × 8 = 72, 72 × 3 = 75, 75 को 5 हासिल कितना हो जाएगा 7। अब देखिए यहाँ पर 9 × 2 = 18, 18 × 7 कितना हो जाएगा 18 × 7 हो जाएगा 25, यहाँ पर हो जाएगा पूरा 25, लिख दीजिए, हो गया। अब क्या करना है, इतना मल्टीप्लाई करने पे आ गया मल्टीप्लाई करने पे। अब क्या करना है आप लोगों को, ये जो जीरो था आपका, इसमें भी जीरो था, इसमें भी जीरो था, क्या करना है इसको इसके पीछे लगा देना है। चार जीरो है तो चार जीरो लगाना है, यहाँ पर चार जीरो लगाएंगे, ये आपका आंसर करेक्ट है। इसको कैलकुलेटर में भी आप चेक कर सकते हैं, तो यही इसका आंसर आएगा। जो जिसका मैथ स्ट्रांग है वो आप लोगों को इसी तरीके से वो कर लेगा। यहाँ पर देखिए, तो जिसका मैथ स्ट्रांग नहीं है ये उनके लिए है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर दूसरा वाला है, जो दूसरा वाला देखिए, यहाँ पर दूसरा वाला करना क्या है आप लोगों को, यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है। तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई सिर्फ आप लोगों को कर देना है। तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 7 = 35 को 5 हासिल 3 हो गया 3, और 8 × 5 = 40, 3 × 43 को 3 हासिल 4, और 5 × 15 = 19 हो गया। अब देखिए 3 × 0 है, यानी 3 जीरो आपको लगा देना है, हो गया ये आपका आंसर। ओके, इजी है ना। तो यहाँ पर देखिए, हम आप लोग थर्ड वाला बताते हैं। थर्ड वाला जो एग्जांपल है गाइस, यहाँ पर देखिए 1 और यहाँ पर है, यहाँ पर 1 जीरो है, यहाँ पर 1 जीरो है। तो यहाँ पर 6 का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो 9 × 6 = 54। यहाँ पर देखिए 6 का मल्टीप्लाई 9 में चाहे करिए, चाहे 9 का मल्टीप्लाई 6 में करिए, बात एक ही होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9 × 6 = 54 को 4 हो गया, अब हासिल कितना हो गया 5 हो गया। अब 5 यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर इस 0 को भूल जाइए, इस वाले 0 को भूलिए और इस 0 को भूलिए, और आगे का जो है डिजिट जो है उसमें क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर 9, यहाँ पर 6 है और 6 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 होगा, यानी कि 54 होगा, 54 को 4 लिख दिए हैं आप। अब क्या करना है, तो यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है, 0 है, तो यहाँ पर हासिल जो बचा था उसको पूरा लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हो गया, अब यहाँ पर 54 आएगा तो फिर 4 लिखेंगे, अब हासिल कितना बचा 5, अब फिर 54 आएगा, 54 × 5 = 59, यहाँ पूरा लिखिए। अब यहाँ जो पीछे वाला 0 था इसको आगे लगा दीजिए, इसके ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप ये अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये फोर्थ वाला जो है, चौथा जो है, उसी तरह से आपको करना है, चलिए इसको भी बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर 1 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो, अब 0 को भूल जाना है, क्या करना है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 6, 7 और 6 है, तो यहाँ पर 7 × 6 = 42, 42 को 2 हासिल 4 हो जाएगा, कितना होगा 4 हो जाएगा। और देखिए 7 × 7 = 49, 49 और 4 हो जाएगा आपका 53, 53 को 3 हासिल कितना हो जाएगा 5, 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पर
सात छः बयालीस, बयालीस और कितना पाँच, पाँच बना था बयालीस और पाँच कितना हो गया सैंतालीस, सैंतालीस और तीन जीरो इसके पीछे लगा दीजिए, हो गया, ये क्या हो गया आंसर आ गया। इस तरह से आप लोग इजी तरीके से इस तरह का बड़ा बड़ा जो है मल्टीप्लाई आप लोग इजी तरीके से कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर जीरो था और इधर जो था जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे थे उधर वन डिजिट था। मान लीजिए यही चीज यदि आपको इस तरह से मिल जाए, मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से हो जाए तो क्या होगा, तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, इस तरह से जब इधर दो डिजिट आ जाए यानी कि यहाँ पर वन ही डिजिट है, देखिए यहाँ पर फाइव है, सिक्स है, सेवन है, चाहे टू आए, चाहे थ्री आए, चाहे वन आए, तो यहाँ पर जो है वन, यहाँ पर वन ही डिजिट है और सब जीरो आएगा इधर मल्टीप्लाई करने के लिए आप लोगों को। लेकिन जब यहाँ पर टू डिजिट हो जाएगा, जब दो संख्या हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यह सीखेंगे हम, इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे इस वीडियो का, तो उस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। ओके, तो चलिए हम ये जान लेते हैं कि यहाँ पर जो स्टूडेंट इस तरह से तो करते हैं, अब किस तरह से बेसिक जो मल्टीप्लाई होता है वो अभी हम आप लोगों को बता देते हैं इस वीडियो में, क्योंकि हम अभी इसका वीडियो नहीं बनाया है, तो यहाँ पर जो है बेसिक मल्टीप्लाई का वीडियो भी इसी वीडियो में हम आपको बता देते हैं। देखिए गाइस यहाँ पर हम जो है दो एग्जांपल लिए हैं, तो यहाँ पर देखिए इस तरह का तो आप लोग कर ही लेते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर हम आप लोगों को बता देते हैं, जो बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो नहीं कर पाते हैं तो सीख लीजिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर पाँच या पंद्रह, पाँच या पंद्रह को पाँच होता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे सभी संख्याओं में फाइव का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर के सभी संख्याओं में, तो पाँच या पंद्रह पाँच हासिल एक, अब पाँच दुना दस, दस दस एक, ग्यारह ग्यारह हासिल एक हो गया, फिर अब पाँच दुना दस, दस एक ग्यारह पूरा हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो सेकंड वाला जो डिजिट है इसका करने के लिए यहाँ पर एक क्रॉस किया जाता है। ओके, या क्रॉस नहीं करेंगे तो यहाँ पर इतना एक एक डिजिट जो है वन डिजिट इसको छोड़ करके लिखा जाता है, या यहाँ पर क्रॉस कर दीजिए, ये अच्छा होता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर तीन दुना छह हो जाए, छह हो जाएगा, फिर इसका इस वाले डिजिट का टू का सब में मल्टीप्लाई करना है, एक बार पांच का फिर एक बार टू का। यहाँ पर देखिए यहाँ पर तीन दुना छह हो गया, दो दुना चार हो जाएगा, यहाँ पर दो दुना चार हो जाएगा, हो गया इतना। अब क्या करना है आपको, ऐड कर देना है इसको, यहाँ पर हो जाएगा फाइव, यहाँ पर हो जाएगा सेवन, यहाँ पर हो जाएगा फाइव और यहाँ पर हो जाएगा फाइव, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब इसी तरह से इसको भी करेंगे तो छह दुना बारह, बारह दो हासिल एक, छह पचे तीस, तीस एक इकतीस के एक हासिल तीन, और छह छह छत्तीस, छत्तीस और तीन छत्तीस, तीन उनतालीस, हो गया। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड वाले डिजिट का करने के लिए सेकेंड वाले यहाँ पर एक क्रॉस करेंगे। अब देखिए दो दुना चार और पाँच दुना दस के जीरो हासिल एक, छः दुना बारह एक तेरह, हो गया। अब यहाँ पर डबल क्रॉस करेंगे क्योंकि तीसरे वाले डिजिट का हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर तीन दुना छः, जितना डिजिट रहेगा उतना बार इसको क्रॉस करेंगे, तो यहाँ पर तीन दुना छः। अब देखिए तीन दुना छः हो गया, अब पाँच या पंद्रह पाँच हासिल एक, और छः तीन का अठारह उन्नीस हो गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर ऐड कर देना है इसको, यहाँ पर क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर नौ और छः कितना हो जाएगा, नौ और छः पंद्रह, पंद्रह पाँच हासिल एक, अब तीन 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 छः, छः और पाँच ग्यारह, ग्यारह और एक बारह, बारह को दो हासिल एक हो जाएगा, नौ एक दस, दस एक ग्यारह, ग्यारह नौ एक दस, दस एक ग्यारह, ग्यारह के हासिल यहाँ पर दो हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो यही था, ये बेसिक जो है मल्टीप्लाई था, और उस तरह का जो पहले हम आपको बताएं वही जो था वो बच्चों को थोड़ा हार्ड लगता था, तो इसके बाद हम आप लोगों को जो बताए थे यहाँ पर इस तरह से जो करने वाला था, यहाँ पर टू डिजिट वाला जो था यहाँ पर इस तरह से कैसे करेंगे फास्ट मल्टीप्लाई, ये हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। ओके, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। ओके, तो इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के मिलते हैं कल, सी यू टुमारो विद अ न्यू वीडियो, प्लीज टेक केयर एंड बाय।